नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर से नेक की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ हमने ये बॉर्डर यूज़ करना है जो हमारी ड्रेस में साथ में आता है, हमने इसको कट करके लिया है। और इस तरह से ये बॉर्डर 45 इंच का है टोटल यहाँ पर जो हमने लिया है अभी। और यहाँ इसको हम सेंटर से इस तरह से प्लीट्स लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लेंगे। इस तरह से ये प्लीट्स लेनी है और सेंटर में इसकी सिलाई आएगी। यहाँ पर जो हम सिलाई लेंगे वो कच्ची है, इस सिलाई को हमें आगे जाके निकाल देना है। इस तरह से ये स्ट्रिप बन के रेडी है। अभी हमें लेना है हमारी कुर्ती। हमने ये कुर्ती को नॉर्मल कट किया हुआ है और यहाँ पर अभी हम नेक लाइन का मार्क करेंगे। नेक की विड्थ 4 इंच पे मार्क करना है और नेक लेंथ 3.5 इंच 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से बॉटनेक का ही शेप देना है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग या कोई भी अलग नेक की शेप भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ ये नेक का शेप दूसरी साइड में भी लेना है। नेक का शेप देने के बाद अभी फ्रिल का ये पीस इसकी कुर्ती की सेंटर में हमें अटैच करना है। ये सेंटर का हिस्सा है और जो नेक लाइन हमने मार्क की है इसके थोड़ा ऊपर की साइड में आएगी ये हमारी फ्रिल। जो बॉर्डर का हिस्सा है वो नेक के थोड़ा सा ऊपर इस तरह से लेना है। और फिर साइड से हमें ये सिलाई लेनी है और जो हमारी प्लीट्स है वो नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ से हम सिलाई देंगे तो ये आसान रहेगा। नीचे का जो हिस्सा है इसको हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लेनी है। इस तरह से दोनों हिस्सों पे हमारा ये लॉक हो गया है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है जो इस स्ट्रिप का, उसे हम ट्रिम कर देंगे दोनों साइड से। ध्यान से इसे पकड़ के कुर्ती का हिस्सा यहाँ पर कटना हो इस तरह से ध्यान रखना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम इसको ट्रिम। ट्रिम करते हैं और इसके बाद में ये इस तरह से ये हमारा हिस्सा यहाँ अटैच हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे लेस। इस लेस को हमें यहाँ पर इसकी तीनों ओर अटैच करना है। इसके ऊपर अटैच करेंगे जो सिलाई है वो यहाँ पर दब जाएगी। लेस को टर्न करके ये दूसरी ओर लेना है। फिर यहाँ पर वापस सुई को अटका के लेस को दूसरी साइड में टर्न करना है। इस तरीके से लेस हमारी इसकी तीन ओर अटैच हो जाएगी। लेस को लॉक करने की दूसरी सिलाई अभी हम लेंगे। इस तरह से ये बहुत आसानी से और बहुत सुंदर तरीके से ये यहाँ पर अटैच हो गया है। उसके बाद में यहाँ हम लेस को इसके पास में एक और लेयर अटैच करेंगे थोड़ा सा गैप रखते हुए। इस तरह से इस पीस पे हमने दोनों लेसेस को अटैच किया है
और यहाँ पर नेक की फिनिशिंग जैसे हम नॉर्मली नेक की फिनिशिंग देते हैं वैसे ही नेक की फिनिशिंग देनी है। आप चाहें तो बुकम से दे सकते हैं या फिर उदेब की पट्टी से भी इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी डिज़ाइन बन के रहेगी, पर इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मली जो बॉर्डर्स हमारे नीचे रहते हैं पल्ले के भाग में, आप उसी हटा के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। और यहाँ पर हमने यहाँ नेक लाइन को फिनिश कर दिया है और ये डिज़ाइन बन के रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए, और नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।